सब्सक्राइब करें कृष्णा मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा मैथ सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 19.13 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका टोटल क्वेश्चन 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स मैं इस नए एक्सरसाइज के बारे में बता दूँ। 19.13 जो है आपका, इस एक्सरसाइज में आप देखिए आगे एक नए मेथड के बारे में जानिएगा। जैसे आप एक्सरसाइज 19.12 में जो था कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, यानी आपको अगर फॉर्मूला याद है तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें फॉर्मूला अगर हमें याद भी नहीं हो तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल है, उसी मेथड के बारे में एक्सरसाइज 19.13 में देखेंगे कि वो मेथड क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। इसके पहले सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन, आपको जल्दी बताते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है आपका 3, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 19.12 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप इसी तरीके से ना सॉल्व किया करते थे। देखिए हम क्या किए इसमें, ये तो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या किया हम, यहाँ से देखिए ये दोनों में 2x-x में से हम माइनस कॉमन कर लिए, तो बचा आपका x²-2x। ठीक है, फिर हम क्या किए इसमें x²-2x में प्लस ऐड कर दिए और -1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, 1 तक जो है कॉमन ले लिया है, एक पार्ट कर दिया इसको। अब फिर ये -n से -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब 3 और 1 4 को हमने ऐड कर दिया, 3 और 1 कुछ ऐड किया तो 4 आ गया, और इसको वैसे वही लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा dx/4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इस इंटीग्रेंट का इस फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a + x / a - x। ठीक है, तो 1/2a log a + x, a = 2, तो 2 + x, x = x-1 + a / a - x, यानी a = 2 और x = x-1, तो माइनस करना है तो -x + 1 हो जाएगा प्लस a। तो ये 1/4 log x + 1 स्क्वायर कीजिएगा तो x + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - x + a। तो आपने देखा कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया गया, इंटीग्रेट कैसे किया गया, जब आपको फॉर्मूला ये याद था तब। तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि जब आपको ये फॉर्मूला ना याद हो तो कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये आपका सिचुएशन आ सकता है ऐसा कि आपको फॉर्मूला ना याद हो या फॉर्मूला को लेकर आपको डाउट हो कुछ। तो देखते हैं कि क्या अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए उसी मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए। देखिए एग्जांपल 3, ये क्वेश्चन है आपका ये, और देखिए क्वेश्चन जो हमने बताया जस्ट यही आपका है, यही क्वेश्चन है जी। जी देखिए इसमें dx/3 + 2x - x², तो 3 + 2x इस ये हो गया आपका एक मेथड, और दूसरा मेथड क्या है इसको इंटीग्रेट करने का, दूसरा मेथड देखिए बताते हैं। जस्ट आपका यही क्वेश्चन है, इतना दिया हुआ है। देखिए इसमें करना क्या होता है, आपका जो डिनोमिनेटर है यानी आपका इंटीग्रैंड ये वाला, इसको दो प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखना होता है, 2 या 3 जो भी हो, यानी इसको प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए इसको फैक्टराइजेशन किया गया है, देखिए इसमें क्या किया, पहले माइनस कॉमन कर लिया है, किया है तो आपका आ जाएगा x²-2x - 3। ठीक है, फिर इसको फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको देखिए 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, -3x + x लिख सकते हैं, तो -2x हो जाएगा, और 3 जो है तो -3 ही हो जाएगा। फिर इसमें देखिए आपका यहाँ से क्या किया है, x कॉमन कर लिया है ये दोनों में से, तो x कॉमन किया है तो बचेगा आपका x-3, और यहाँ पर बचा 1, इसमें से क्या कॉमन किया 1, ये बचा आपका x-3। अब x- देखिए यहाँ पर भी x-3, यहाँ पर x-3, तो कॉमन ले लिया आपका, और बचा आपका क्या x+1। ठीक है, तो x+1 × x-3 = 2, देखिए आप फिर क्या किया है, इसमें -n है तो -n से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, तो x+1 × ये 3 बाद में था, पहले आ जाएगा 3 - x, यानी देखिए आपका क्वेश्चन ये था, इंटीग्रैंड ये था ये वाला, आपका क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म में आ गया। तो इसी फॉर्म में लाया जाता है इंटीग्रैंड कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा इस फॉर्मूला को मेथड से। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना ही लिखना है। नाउ देखिए इंटीग्रैंड 1/, इस फॉर्म में लिखा जाता है 1/
थ्री प्लस टू एक्स यानी जो आपका इंटीग्रैंड होता है उसको ले लिया जाता है। देखिए वहाँ पे ऊपर क्या है, वन है और नीचे है टू प्लस, थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो जितना था वो लिख दिया है इजिकल टू ए, कितने बराबर प्रोडक्ट फॉर्म में बराबर है, तो वन अपॉन इसके बदले ये लिखा गया, ठीक है प्रोडक्ट फॉर्म में है ना ये। अब नाउ देखिए इसमें क्या कहता है, ये जो है अपने इंटीग्रैंड इसमें ऐसे लिखा जाता है वन अपॉन इतना इजिकल टू एक फैक्टर के लिए ए अपॉन इतना, फर्स्ट फैक्टर के लिए ए लिया जाता है, सेकंड फैक्टर के लिए बी, ठीक है तो बी अपॉन थ्री माइनस एक्स। अगर यहाँ पर एक और भी होता है थर्ड फैक्टर तो वहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस सी अपॉन डेट थर्ड फैक्टर, यानी सी ऊपर लिखते हैं और प्लस करते हैं सी अपॉन यहाँ जो थर्ड फैक्टर होता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम इसका एलसीएम लिया गया, देखिए इसका और इसका एलसीएम लिया गया तो इससे ये आ जाएगा इतना, फिर इससे डिवाइड दीजिएगा इसमें तो आपको बचेगा ये, तो इससे मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ए इंटू थ्री माइनस एक्स और इसमें बी प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, यानी इसका एलसीएम ले लिया है। अब देखिए ये वाला पार्ट इक्वल है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ये वाला ऊपर वाला ए इंटू थ्री माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए वाला ऊपर बचेगा और इस साइड बचेगा आपका वन, ठीक है इतना। अब ना देखिए क्या किया है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये प्रश्न उठता है कि हम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन क्यों ले रहे हैं, तो देखिए अगर आप ए का वैल्यू निकालते हैं तो बी में एक्स का वो वैल्यू रखिए जो बी को जीरो कर दे, तो बी का यहाँ देखिए बी का वैल्यू यही ना है बी वाला पार्ट, तो एक्स का यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू रखें कि बी पार्ट जो है पूरा जीरो हो जाए, तो माइनस वन रखेंगे तभी ना जीरो हो जाएगा बी, तो ए का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखा है तो वी गेट थ्री माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए फोर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखा माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी का माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा तो बी भी जीरो, तो ए इंटू फोर ए फोर हो जाएगा इक्वल टू वन, तो ए का वैल्यू आ जाएगा वन बाई फोर। अब देखिए बी का वैल्यू निकालना है, तो अब हम देखेंगे कि ए में एक्स का कौन सा वैल्यू रखें कि ए का वैल्यू जीरो हो जाए, ये वाला अब जानते हैं कि एक्स है तो इसमें तीन रखेंगे तो हमने जो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री रखें तो बी का वैल्यू में रहेंगे क्या, देखिए थ्री प्लस वन इज इक्वल टू बी फोर, बी फोर इज इक्वल टू वन ये है ना, तो बी का वैल्यू अपन कर गया वन बाई फोर, ठीक है समझ गया कि अगर ए का वैल्यू निकालना है तो आपको बी में वैसा वैल्यू रखना है जो इसको जीरो कर दे, अगर बी का वैल्यू निकालना है तो ए में वैसा वैल्यू एक्स का रखना है जो इसको जीरो कर दे, ठीक है। तो ना देखिए ए और बी का वैल्यू निकल गया आपका इतना, तब देखिए आपका इंटीग्रैंड यही ना है डी एक्स अपॉन इतना ये वाला, इसके बदले क्या ले सकते हैं ये वाला आपका क्या था, देखिए इतना इक्वल टू इतना है ना, तो इसके बदले हम इतना ले सकते हैं। और फिर देखिए इसके बदले क्या था आपका अलग अलग इसका दिया गया है, देखिए यहाँ पे इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना है तो इतना हम लिख दिया अलग अलग इंटीग्रेट करके, वन बाई फोर ए वन बाई फोर, ए और बी का वैल्यू बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि ए और बी दोनों एक ही है तो एक बाई फोर, ठीक है अलग अलग कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए वन बाई फोर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग, क्योंकि देखिए इसका इंटीग्रेशन लॉग थ्री माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है इजिकल टू वन बाई फोर लॉग एक्स प्लस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स, तो आप समझ गए कैसे हुआ इसका। तो ये था जो आप था आपका ये सेकंड मेथड था, फर्स्ट मेथड से आप 19.12 के जो रेशनल फंक्शंस होते थे आपको उसने अपने सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 19.13 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स को एक्स का स्क्वायर और नाइन को थ्री का स्क्वायर, ठीक है इतना तो लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है आपका ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, अब इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है आपको याद है तो उसी पर लिख दिया हम इतना। अब देखिए लेट इतना इक्वल टू इतना, देखिए आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो लेट वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, इसके लिए ए फैक्टर ए लिख दिए लेटर अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसके लिए प्लस बी बाई एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब देखिए वन अपॉन इतना इसको लिख दिए यहाँ तक,
इसका एलसीएम लिए हैं, तो एलसीएम लिख लीजिएगा, तब इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा आपका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपका बचेगा यहाँ पे वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए हम एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए का ए हम ए निकालना है हमको, ए का वैल्यू, तो बी में ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे इसको जीरो बना दे, टोटल को तीन तीन रखेंगे तब ना, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो होगा, तो बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, टोटल एक्स इज इक्वल टू थ्री। वी गेट ए यहाँ पे वन था, तो वन इज इक्वल टू, अगर आपका यहाँ पे एक्स हो तो यहाँ पर भी आपका एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा, जैसे आप मान लीजिए थ्री रखना है तो यहाँ पर थ्री रखते हैं, ठीक है, लेकिन आपका वन कॉन्स्टेंट है तो वन लिखिए रखेगा, वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री में थ्री प्लस थ्री, और इसमें देखिए एक्स का वैल्यू में तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स से हो गया, थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स है इज इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू वैल्यू आएगा वन बाई सिक्स, ठीक है। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वी गेट, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 19.12 का जो फॉर्मूलाज हैं आपको इसको याद कर लीजिए, आप उसी पे आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं और जल्दी भी बना सकते हैं। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू, लेकिन ये जो है आपका एक मेथड है पढ़ना है, इसी कारण मैं इसको बता रहा हूँ। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री यानी अब हमको बी का वैल्यू निकालना था, एक्स तो ए का वैल्यू इसमें ए वाला पार्ट में क्या वैल्यू रखें किसको जीरो बना दे, तो माइनस थ्री, तो देखिए माइनस थ्री रखिएगा तो माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ से देखिए इसको वैल्यू निकल जाएगा बी का वैल्यू, देखिए रखे हैं माइनस थ्री वैल्यू रखें यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस थ्री ये तो आपका जीरो हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाई सिक्स। नाउ इंटीग्रेशन देखिए आपका, ठीक है, तो इसके बदल क्या था आपका, देखिए यहाँ पे था ना ये वाला, इसके बदले यहाँ पे इतना लिख दिए, अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेट भी कर दिए यहाँ पे, अलग अलग इंटीग्रेट किए हैं अलग अलग, तो ए कॉन्स्टेंट था तो बाहर, बी कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, अब ए का वैल्यू डाल दिया इतना, इसका इंटीग्रेशन लॉग इतना एक्स माइनस थ्री, ठीक है, अगर आप इसको जेड मानते हैं तो जेड का डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन जेड या डी जेड हो जाएगा, ठीक है, तो लॉग इतना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू माइनस वन बाई सिक्स लिख देते रख दिए वैल्यू उसका, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सेट, ठीक है, तो वन बाई सिक्स। अब हम क्या किए हैं, वन बाई सिक्स कॉमन कर लिए दोनों में से, तो वन बाई सिक्स कॉमन कर लिए, तो आपका बचा लॉग इतना माइनस लॉग इतना, ठीक है, तो वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, क्यों इस वाला पार्ट को ऊपर ये वाला पार्ट को नीचे लिख दिया, तो लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, क्यों देखिए लोग फॉर्मूला आता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, आप इसको एम मानिए इसको एन मानिए, तो लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस एन, फॉर्मूला पे समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, फर्स्ट का टू, फर्स्ट का टू है देखिए, ये गिवन है आपका ये इतना इंटीग्रेशन, इसी को इंटीग्रेट करना है, आगे देखते हैं। और आप फ्रेंड्स आप भी अगर मेरी तरह दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप मेरे वीडियोस को उन जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, या चाहे वो इस साल देने वाले हो चाहे वो अगले साल, तो आप जरूर से वीडियो को शेयर करके उन्हें उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, लेट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू इतना इतना, आपका इतना हम आया था ना जी, मेथड क्या है आपका कि इस पार्ट को ए पार्ट में लेना है, ठीक है, ए अपॉन एक्स प्लस वन, और सेकंड पार्ट को बी लेना है बी अपॉन एक्स प्लस टू, मेथड है, तो एक्स अपॉन इतना, तो अब इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो इसके साथ ही है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन इतना इंटू इतना, ठीक, देखिए क्यों किए हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, इतना हो जाएगा आपका, देखिए ये है। अब देखिए ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है तो बी में हमको एक्स का वैसे वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो बी को टोटल जीरो बना दे, तो क्या करना पुट करेगा यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन करेंगे तब ना, माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको टोटल जीरो बना दे, तो देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन किए हैं, तो आपका ए का वैल्यू निकल गया माइनस वन, ठीक है, आप ये सब समझ रहे हैं कि कैसे कैसे किया गया है।
एक्स का वैल्यू पुट किए हैं तो माइनस वन प्लस टू, आप यहाँ पे माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन दिस इक्वेशन, तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू एक्स यही ना है, तो माइनस टू पुट किए हैं इज इक्वल टू ए इन टू माइनस टू प्लस टू, अभी में माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब क्या रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन इन टू बी इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू टू हो जाएगा, ठीक। इतना समझ गए, तो ये आपका ए और बी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू कितना, इतना यानी देखिए यहाँ पे, तो इस फॉर्म में लिख दिए, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका देखिए ए का वैल्यू क्या था आपका माइनस वन, तो माइनस वन लिख दिया यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन, ए बी का वैल्यू टू, तो टू लिख दिए, अब इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट से, तो ये पॉजिटिव है तो पहले लिख देते हैं टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस ए था, तो माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस से, ठीक है, समझ गए आप। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो गिवन है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना, तो लेट इतना इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए, इसको फर्स्ट पार्ट में मान लिया ए अपॉन एक्स प्लस वन और इसको बी अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो वन अपॉन इतना इज इक्वल टू एलसीएम लिया जीजिए इसका, तो ए इससे इसके साथ इसके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये दोनों का प्रोडक्ट, देखिए कर दिए हैं, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा आपका यहाँ पे क्या वन बचा लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा है ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, इतना। अब ए और बी का वैल्यू निकालना है आपको, तो बी में ए का वैल्यू निकालना है, तो बी में देखेंगे क्या अब हम पुट करना है, तो माइनस वन करेंगे तब ना ए का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा वन, देखिए ए का वैल्यू पुट करना है इसमें हम एक्स का, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू, ये तो जीरो, ये बचा आपका ए वन, माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन इंटू वन ए इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू आपका है आया वन, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वैल्यू निकाल देना है, रखकर ए का वैल्यू आपका आया वन, इसी प्रकार बी का वैल्यू निकालते हैं हम, देखिए पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन द इक्वेशन, वी गेट इंटीग्रेशन आई इंटीग्रेशन वी गेट आई इज इक्वल टू आई सॉरी वन इज इक्वल टू ए, अब हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो ए में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि जीरो हो जाए, तो माइनस टू प्लस टू करेंगे तो हमें जीरो हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस एक्स, यानी बी का वैल्यू आपका आ गया माइनस वन, ये तो आप सिंपल है, आप समझ रहे होंगे कैसे किया गया। नाउ आई इज इक्वल टू इतना क्वेश्चन है आपका, तो इतना इज इक्वल टू कितना, इतना आपका मेथड है ना जो, उसी मेथड के हिसाब से, तो ए अपॉन एक्स प्लस वन इतना, तब अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट किए हैं, देखिए ये कॉन्स्टेंट था ये तो बाहर आ गया, बी भी कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, ए का वैल्यू वन निकला आपका, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन, बी का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन इंटू लॉग इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, ठीक है, तो लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, तो लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी इतना, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम बाई एन होता है, फॉर्मूला के हिसाब से, समझ गए कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर समझ लिया, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए यहाँ पे इतना दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना, तो लेट इतना इज इक्वल टू ए अपॉन इसका फैक्टर फर्स्ट फैक्टर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, इतना लिख दिए हम, अगर थर्ड फैक्टर होता तो हम लिखते प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू, देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए, तो इसके साथ ये और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, देखिए है ना एलसीएम रूल लेने का ये ना रूल्स है, तो देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका क्योंकि सेम है, तो बचा पर टू एक्स प्लस वन और ये बचा यहाँ से आपका ये वाला बचा लिख दिया, अब ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का ए का वैल्यू निकालना है, तो आपको बी में क्या रखना पड़ेगा एक्स का वैल्यू, माइनस टू रखेगा तब ना ये जीरो हो जाएगा, तो देखिए रखें एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो आपका ए का वैल्यू निकल गया थ्री बाई फाइव, ठीक है। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो क्या निकलेगा वैल्यू आपका,
क्योंकि थ्री क्यों रख रहे हैं हमें एक्स का, बी का वैल्यू निकलना है। तो यहाँ पे देखिए थ्री रखेंगे तो हमारा थ्री माइनस थ्री ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब ना बी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इतना रख दिया हम, तो आपका बी का वैल्यू निकल गया 7/5। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना है आपका। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन, देखिए यहाँ पे इतना है, तो इंटीग्रेशन इसी को ना करना है, तो इस साइड भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इतना हो जाएगा डी एक्स, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी ये भाग जो है इस भाग के बराबर है, तो इसको भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। देखिए कॉन्स्टेंट था ए और बी, तो बाहर आ गया, और इसको ऐसे लिख दिया हम। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये ए का वैल्यू आपका था 3/5 लॉग इस, और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू। अभी का वैल्यू था 7/5, तो लिख दिया उसका लॉग, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3+6। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट देख लीजिए। देखिए आपका ये इंटीग्रेंड है, यानी इसी को इंटीग्रेट करना है, तो आई इक्वल टू इतना, इसको देखिए हम 3x को यहाँ पे 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर 3x+2, तो एक्स स्क्वायर 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x+x+2 इतना इक्वल टू टू, यानी 2x+x इक्वल टू 3x हो जाएगा, बाकी सब वही है। अब हम क्या करते हैं इसमें से, देखिए ये इसमें से x कॉमन करते हैं, तो आप देखिए ये कॉमन किया है, तो बचा x+2, यहाँ पे बचा आपका x+2। तो यहाँ से देखिए x+2 इसमें भी दोनों में आप कॉमन कर लिया, तो बचा आपका यहाँ पे x+1 × x+2। यानी देखिए आपका क्वेश्चन था ये, हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला कर ये ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मूला ले आया, इसको फैक्टराइजेशन करके 9th क्लास में पढ़े होंगे आप। ठीक है, आपको ये करने आता होगा। तो लेट आपका इंटीग्रेंट ये ना हो गया, तो लेट इतना इज इक्वल टू ए अपॉन फैक्टर फर्स्ट फैक्टर इतना प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी x+1। ठीक है, यानी 2x अपॉन इतना, अब एलसीएम लिया तो इसके ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ इतना नीचे देखिए ले लिए हैं, तो यह दोनों कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू इतना, 2x इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए हमको ए का वैल्यू निकालते हैं, बी में क्यों कौन सा पुट करेंगे, -2, तो देखिए -2 पुट किया है, तो आपका ए का वैल्यू निकल गया 4, और बी का वैल्यू निकालना है, यानी एक ए में क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 पुट किया है, तो बी का वैल्यू निकल गया आपका -2। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू आपका ये है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इसको कितना है, ये इतना, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है जो इसके बराबर है, तो इतना हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ से अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए दोनों को, और ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिए हैं, तो इतना अपन इतना हो जाएगा, बी अलग अलग, तो ए का वैल्यू आपका क्या है 4 है, 4 लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन लॉग x+2, इसका बी का वैल्यू -2, तो -2 लिख दिए लॉग x+1+6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, 5x/(x+1)। अभी देखिए ये क्वेश्चन है आपका 3 फैक्टर्स वाला है, इसको देख लेते हैं। ये अपन इतना है आपका, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेंट आई इक्वल टू इतना, इसको देखिए 5x dx लिख दें ऊपर में जो है, यानी इसके नीचे में देखिए x+1 x+1 लिख दें, x²-4, यानी देखिए x²-4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x²-2² यानी ये a²-b² फॉर्म आप लिखा जाएगा, तो a-b × a+b। 4 को अपने 2² लिख सकते हैं, तो x²-2², तो ax-a, तो x-a × x+a फॉर्मूला पर होता है। देखिए आप यहाँ पे a²-b² फॉर्मूला होता है आपका क्या, a-b × a+b। यहाँ पर a जो है आपका x है, ठीक है, अब b जो है 2 है, यहाँ का 4 को क्या लिख सकते हैं, 2² ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम इसको लिख दिए हैं, ये वाला इन दोनों को। नाउ आगे देखते हैं, तो 5x/, इसको हम लिख सकते हैं x+1 × x-2 × x+3 x+2 इतना, तो इसको देखिए फैक्टराइजिंग कर देना है, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर फैक्टर a अपॉन x+1 बी प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर आपका ये है, तो लिख दिया इतना। नाउ इतना अब क्या किया है, इसका तीनों का एलसीएम लिया है, तो आपका इतना 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 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ए में इसमें हम क्या किए हैं, इसको एलसीएम लेंगे, इतना से डिवाइड देंगे आपका, तो बचेगा ये तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ये और ये, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ए में, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब इससे डिवाइड देना है इसमें एलसीएम में, आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बी में, तो x+1 × x+2
मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे इसमें डिवाइड देंगे, तब का बचेगा ये और ये, तो इन दोनों से इसमें सी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है आपका इतना रहेगा। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, इक्वल है तो बचा आपका क्या है फाइव एक्स इक्वल टू इतना ए इक्वल टू वन, ये वाला बी सी, थ्री पार्ट्स, थ्री फैक्टर था तो थ्री पार्ट्स बना इसमें। देखिए अब आपको आपको निकालना है ए का वैल्यू, तो यहाँ ए बी और सी तीनों है तो तीनों में निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए ए का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए बी और सी में देखिए कि इसको जीरो कैसे बनाया जाए बी और सी को, तब ना ए का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए बी में आपके बी और सी में एक्स का वो वैल्यू डालिए जो इन दोनों को जीरो कर दे, तो एक्स का वैल्यू क्या डाल यहाँ पर डालिएगा माइनस वन, तो प्लस वन इजक्ल टू जीरो, यहाँ पर देखिए माइनस वन प्लस वन इजक्ल टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू आप माइनस वन डालिएगा तो बी और सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक देखिए एक्स इजक्ल टू माइनस वन ये है तो फाइव इंटू माइनस वन, यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू डालिएगा तो फाइव इंटू माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन, ए इंटू माइनस वन माइनस टू, यहाँ पर इंटू एक्स का वैल्यू माइनस वन तो माइनस वन प्लस टू, ये तो वैल्यू जीरो, ये भी वैल्यू जीरो। ठीक इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन इज इक्वल टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए इक्वल टू निकल जाएगा पाँच बटा तीन, समझ गया कैसे निकला है। देखिए माइनस तीन हो जाएगा ये वन, तो माइनस थ्री ए हो जाएगा, समझ गया माइनस वन और माइनस टू इज इक्वल टू जोड़िएगा तो माइनस थ्री, और माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन, तो माइनस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू ए इज इक्वल टू माइनस थ्री ए, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाइव, तो ए का वैल्यू आपका फाइव है थ्री। सिमिलरली एक्स का वैल्यू टू, यानी बी का भी हमको वैल्यू निकालता है, एक्स इसमें क्या लिखा रखा है ए और सी में एक्स का वैल्यू जो इसको ए और सी को जीरो बना दे, तो देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस टू है और यहाँ पे एक्स माइनस टू, यानी टू एक्स का वैल्यू टू डालेगा तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू, तो हम रखते हैं वैल्यू फाइव इंटू टू इज इक्वल टू बी इंटू टू प्लस टू, बी इंटू टू प्लस टू इंटू टू प्लस वन, और ये तो जीरो है ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो, तब बी इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू टेन, तब बी इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स, सिंप्लीफाई कर दिए इसको तो फाइव बाई सिक्स आ गया। इससे भी सी प्रकार सी का भी वैल्यू निकाल दिया हमने, इसका आया माइनस फाइव बाई टू। ठीक है नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना आपका ये है, तो इसको इस ये आपका किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसको लिख दिए। अब हम अलग अलग तीनों को इंटीग्रेट कर दिए, ए बी और सी कॉन्स्टेंट था तो तीनों बाहर आ गया देखिए, और ए ए का वैल्यू फाइव बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन, बी का वैल्यू फाइव बाई सिक्स लॉग इसका इंटीग्रेशन इतना, और सी का वैल्यू माइनस फाइव बाई टू लॉग इसका इंटीग्रेशन इतना, प्लस से फाइव बाई थ्री लॉग एक्स प्लस वन, ये वाला जो था हमको बीच में कर दिया, ये वाला उसको लास्ट में कर दिया, माइनस फाइव बाई टू लॉग एक्स प्लस टू हो गया इतना, प्लस से। फ्रेंड्स मेरे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या क्वेश्चन जिससे ना मैथ सॉल्व करते हैं उनके तक मेरे वीडियोस पहुंच जाए और उनको भी मेरे वीडियो से बेनिफिट हो सके, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।